अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से? आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का एक और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो हम सब ने डिसाइड किया है दोस्तों ने कि हम नाश्ता करने चलते हैं। तो बस अभी कुछ देर में निकल रहे हैं सारे नाश्ता करने। बाकी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, अभी भी बादल आए हुए हैं, 2 दिन से बारिश हो रही है पिछले। बाकी देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे हम नाश्ता करने। सारे कज़न्स वगैरह रात को जाग रहे होते हैं, तो जागने के बाद फिर सबको भूख लग जाती है, फिर अचानक से नाश्ते का प्लान बन जाता है। और बाकी अब नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह नाश्ते वाली जगह ही मुलाकात होगी। तो बस अब हम लोग निकल पड़े हैं नाश्ते के लिए। बाकी ये भाई जा रहे हैं, इनको हमने रास्ते से उठाना था, अब आगे आपको बताते जाएंगे साथ। हाँ जी भाई, चल रहे हैं? बैठे कहाँ लेके जाएंगे? बस देखिए, नाश्ते का प्लान बना था अचानक, तो बस अब इनको उठा लिया हमने, तो नाश्ते भी कर लेते हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ते की तरफ, अभी लोकेशन को डिसाइड नहीं हुई, बस अभी निकल पड़े हैं। जहाँ जहाँ ये रोड लीड कर रही है ना, उधर ही जाके नाश्ते। सडन प्लान्स ये तो आपको दिखा भी दूँ कि ये फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे उसामा भाई भी मौजूद हैं, उससे पीछे काशी भाई भी मौजूद हैं, और हम बस 4 बंदे निकले हैं नाश्ते के लिए। ये बस तो ये अब नज़ारा देख के मेरे से रहा नहीं किया कि मैं अकेला देख रहा था, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। इतना प्यारा मौसम हुआ है इस टाइम, मौलाना शौकत अली रोड पे हैं और रवा दवाएं अपने नाश्ते के प्लान्स की तरफ। बाकी इतना अच्छा मौसम है, इतनी बारिश आई हुई है, देख सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बाकी ये देख सकते हैं इस रोड भी साफ सुथरी है, प्यारा मौसम है, और जो ये पीछे गाना लगा हुआ है, क्या ही बात है, मौसम के साथ साथ ऐसे गाने लगे का मज़ा ही दोबारा कर दिया। तो नाज़रीन अभी बस हम आए थे पहले अपने स्टॉप पे नाश्ते के, वो था अम्बाला। तो अभी भाई कह रहे हैं कि 15 मिनट का वेट है, तो हमने सोचा अब कहीं और जाया जाए। खैर अब मॉल टाउन की तरफ जाके देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल, अगर वहाँ कोई ओपन मिलता है तो वहाँ से नाश्ता करते हैं और साथ साथ आपको भी करवाते हैं। 2000 years later. तो ले जी, अब हम आ गए थे मॉरल टाउन में और अब हम जा रहे हैं मेन रोड से गोगे भाई की तरफ। एक भाई मेरे साथ है, मेरे दोस्त, उन्होंने कहा है जी गोगे का नाश्ता बड़ा फेमस है मॉरल टाउन में। तो पहले तो हमारा प्लान था अम्बाला का, लेकिन अम्बाला में 15 मिनट का वेट था, तो अब हम गोगे की तरफ जा रहे हैं, जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पे। मॉरल टाउन का भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है सुबह के टाइम, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। बाकी मजीद आप भाई भी सारे कमेंट्स में मशवरा दीजिएगा कि कहाँ सबसे अच्छे अच्छे नाश्ते मिलते हैं लाहौर में, तो हम आपकी सजेशन पे भी लाजमी ट्राई करने जाएंगे। आप सबकी सपोर्ट और प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा वीडियो को देख के, बड़ा शुक्रिया आपका। तो ले जी अब आ चुके हैं हम गोगे भाई के पास, ये हैं गोगा भाई। बाकी यहाँ गाड़ी कहीं पार्क करते हैं और उतर के चलते हैं इनके पास, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो अब आ चुके हैं हम गोगा भाई के पास उनकी शॉप पे, और गोगा भाई के पास हैं जी चने वगैरह, चने अंडा। कल शाम तो 28 थी, कल शाम 28 थी ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म के चने लग रहे हैं। अगर यहाँ चने देखते हैं फिर ट्राई करते हैं कैसे हैं इनके। तो बस अभी चनों का ऑर्डर दे दिया हुआ है हमने, बाकी देखें जब चने आएंगे तो उसको ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट है इनका कैसा नहीं। तो लें जी नाश्ता भी आ गया। तो अब हमारा नाश्ता स्टार्ट है, तो चेक करते हैं कि कैसे बने हुए हैं चने, ट्राई करके बताते हैं। एक प्लेट बहुत मज़ेदार, ये भाई भी हैं, खाने भी कैसा टेस्ट है अच्छा अच्छा। आकाशी भाई भी बैठे हुए हैं, नो डाउट इनके चने बहुत मज़ेदार हैं। तो भाई जी नाश्ता हो गया है, पेट शेट भर गया है, अब जा रहे हैं यहाँ से लस्सी पीने, लस्सी पीने जाएंगे वहीं वापस अम्बाला। तो बाकी अम्बाला जाके आपको अपडेट देते हैं। मौसम अच्छा होता जा रहा है, बारिश होने वाली है। तो नाज़रीन अब हम आ चुके हैं अम्बाला पे और यहाँ पे हम पियेंगे लस्सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? ब्रदर जैसा कह रहे हैं 4 लस्सियाँ कर दें, और 4 लस्सियों में आपने मलाई नहीं डालनी और फीकी और मिठाई भी डालना।
तो जी अब लस्सी आ चुकी है, लस्सी बहुत अच्छी बनी हुई है, अभी मैंने ट्राई की है। तो अगर आपने भी विजिट करना है अम्बाला तो ये फैसल टाउन की ब्रांच है, अम्बाला मिल्क शॉप, इसकी लस्सी बहुत अच्छी है, आप भी लाजमी आके ट्राई कीजिएगा। चलें जी आज का हम ब्लॉग अपना एंड करते हैं, उम्मीद है आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।